उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में भी रविवार देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। बादल फटने से भागीरथी नदी समेत लोकल गाढ़ गदेरे उफान पर आ गए और बाढ़ की स्थिति बन गई। बादल फटने से गांव मांडो, निराकोट, पनवाड़ी और कंगराड़ी के घरों में पानी भर गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हो गए। SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने 2 महिलाएं और 1 बच्ची का शव बरामद कर लिया, जिनकी शिनाख्त माधुरी देवी 42 साल, रितु 38 साल और कुमारी ईशु 6 साल के रूप में हुई है। SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है और उन्हीं की मदद से मलबे में फंसे गणेश बहादुर पुत्र काली बहादुर, रविंद्र पुत्र गणेश बहादुर, राम बालक यादव पुत्र मुकुर यादव को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सका है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मांडो गांव में कई मकानों में पानी घुस गया है, जिसके बाद 2 घर ध्वस्त हो गए और 3 लोग इलाके में दब गए थे। SDM भटवाड़ी देवेंद्र नेगी के मुताबिक बादल फटने से गांव में गदेरे में उफान आ गया और उससे पानी और मलबा घरों पर आ गिरा। खबर है कि कई जगह गाड़ियां भी बह गई हैं, हालांकि फिलहाल कई लोगों की तलाश जारी है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इलाके के DM से फोन पर बात की और बचाव कार्य शीर्ष प्राथमिकता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए। आपको ये बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाकी इलाकों के लिए भी आज ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही राजस्व, पुलिस, सिंचाई, लोक निर्माण समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा की स्थिति में राहत कार्य में हिस्सेदारी निभाने के आदेश हैं।